स्वच्छ पर्यावरण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्लास्टिक और थर्माकोल के बने सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वर्तमान में प्लास्टिक के थैलों बाजारों में दिख रहे हैं, लोग इसका प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन 15 अगस्त से इस पर पूरी तरह बैन लगा दिया जाएगा। इसके बाद प्लास्टिक और थर्माकोल के बने सामान बेचने और प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्लास्टिक के कप, गिलास, प्लेट और अन्य सामग्री को एक साल तक बंद न किए जाने की मांग को लेकर प्लास्टिक व्यापारी पिछले कुछ दिनों से आंदोलनरत हैं। आंदोलन की इसी कड़ी में गोरखपुर प्लास्टिक एसोसिएशन के सदस्यों ने गुरुवार को खोनीपुर चौराहे से एक जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान एसोसिएशन के सदस्य नारेबाजी करते हुए खोनीपुर चौराहे से निकलकर रेती चौराहा घोष कंपनी होते हुए नगर निगम परिसर में पहुंचे, जहां प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर प्लास्टिक एसोसिएशन के पवन जालान और प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतरे गोरखपुर प्लास्टिक प्रोडक्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन टिबड़ेवाल ने कहा, ये सरकार जो 15 अगस्त से पूर्ण रूप से डिस्पोजल गिलास और क्रॉकरी पे बैन लगा दी है, उस बैन को हटाया जाए। डिस्पोजल गिलास पूरी तरह रिसाइकिलिंग है और सरकार का फैसला एकदम गलत है कि हमारा व्यापार पूरा ठप हो चुका है। सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है कि 51 मैक्रोन की पन्नी बनाई जाए, उसका हम व्यापारी समर्थन करते हैं, उसकी हमको मुहैया कराई जाए। हम लोग का व्यापार पूरा ठप है, हम लोग का पूरा पैसा फंसा है, कोई व्यापारी माल नहीं ले जा रहा है डर के मारे, सारे फैक्ट्री वाले परेशान हैं, सबका बैंकों का लोन है, सारे कर्मचारी रोड पे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 लाख से ऊपर है। महाराज जी ने कहा हम व्यापारियों को पर्याप्त समय दिया है, हमारी समय पर्याप्त नहीं है, हमारी मांगे बढ़ाई जाए, समय दिया जाए, इसका विकल्प बंद करना नहीं है। उन्होंने कहा हम विचार करें। पवन जलानापुर प्लास्टिक प्रोडक्ट एसोसिएशन की तरफ से है और आज हम अपने डिस्पोजल क्रॉकरी संघ के भाइयों के साथ में आए हुए हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं। इनकी सारी मांगे जायज हैं, इन पर जो 15 अगस्त से प्रतिबंध लगाया जा रहा है हम उसके विरोध में हैं। हमारी पूरी मांग है सरकार से कि 15 अगस्त की जो सीमा समय सीमा दी गई है उसे बढ़ाया जाए। कारण क्या है कि इनके पास GST पेड बहुत सारे स्टॉक पड़े हुए हैं जो डंप हैं, जिनका इनकी पूंजी फंसी हुई है, वो पूंजी खाली करा करके इनके वापस लाया जाए ताकि ये अपना दूसरा व्यापार कर सकें। आज हमारा पूरा एसोसिएशन इनके साथ खड़ा हुआ, यही नहीं पूरे मंडल से, गोरखपुर जिले से और आसपास जिले से भी सारे व्यापारी एकत्रित हुए हैं और सरकार के इस एकतरफा निर्णय के खिलाफ हम लोग एकत्रित हुए हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि सरकार हमारी मांग माने और हमारे समर्थन में प्रयास करे। हम सरकार के इस निर्णय के से सहमत हैं कि 50 माइक्रोन से नीचे की प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं हो, लेकिन 51 माइक्रोन की प्लास्टिक चले। उन्होंने 2 अक्टूबर तक का समय दिया है, हम इसे भी चाहते हैं कि आगे चले, क्योंकि यह प्लास्टिक किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है, यह पर्यावरण के लिए हित में है, ये रिसाइकलेबल है, इसे कबाड़ी उठा लेते हैं, ये किसी भी प्रकार से पर्यावरण के हित में नहीं है। पवन कुमार टिबड़ेवाल।